तो भाई हिडन फीचर्स कुछ इस तरीके से, जो एक्चुअल में कुछ ज्यादा हिडन नहीं है बट है। इसी का एक वे आजकल की जो स्विफ्ट 2024 लॉन्च हुई है ना, उसके अंदर भी ये चीज नहीं है भाई। एक नहीं, खैर यहाँ पर आप 5-10 आईफोन रख सकते हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। आज के वीडियो में हम लोग बात करने कुछ हिडन फीचर्स के बारे में जो कि i20 2014 एलीट के अंदर हमें मिलते हैं। तो भाई हिडन फीचर्स कुछ इस तरीके से, जो एक्चुअल में कुछ ज्यादा हिडन नहीं है बट है। इसके अंदर ऐसे फीचर्स होंगे जो आप आंखों से देख सकते हो, बिल्कुल सामने ही है वो, और कुछ इसके अंदर फीचर्स ऐसे जो बिल्कुल सामने से आप नहीं देख सकते बट इसके अंदर वो एक्चुअल में है। शुरुआत हम करते हैं एक नजर में नहीं दिखते वाले फीचर की बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट फीचर, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा भाई, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट को होना है और यहाँ पर हमें अपना ग्लव बॉक्स ओपन करना है कुछ इस तरीके से। और भाई आप कहोगे कि इसके अंदर क्या फीचर है स्पेशल, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा खाली है, लेकिन भाई ये रहा हमारा स्पेशल फीचर। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो आपको, यहाँ पर क्लोज करने का बटन और ओपन करने का बटन दिख रहा है भाई। ये क्या है भाई, ये है एसी का एक वे, यानी कि ये है कूल ग्लव बॉक्स भाई। ये फीचर के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि i20 जैसी गाड़ी में, जो कि प्रीमियम हैचबैक है, अपने सिर्फ एक हैचबैक जो कि भाई 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, उसके अंदर भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसा एक फीचर मिल रहा है जो कि भाई आम गाड़ियों में नहीं मिलता। क्योंकि भाई मतलब ये थोड़ा प्रीमियम हो गया, क्योंकि भाई इसके अंदर अगर हम कुछ चीज रख रहे हैं, ठंडी रहे गर्म ना हो, ठीक है, उसका ध्यान रखने के लिए भाई ये फीचर दिया जाता है। और अगर ये इसके अंदर हमें मिल रहा है तो सिर्फ सोचो 2014 में, तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट फीचर जो कि इसको बनाता है एक प्रीमियम हैचबैक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर, यानी कि फीचर नंबर 2, जो कि है भाई ये आर्म रेस्ट। भाई आर्म रेस्ट जो है इसके अंदर इतना बढ़िया मिलता है, सॉफ्ट कुशन वाला, जिसके अंदर भाई ये सिर्फ एक आर्म रेस्ट नहीं बल्कि एक स्पेस है। हाँ भाई इसके अंदर आप अपना एक आईफोन रख सकते हो, एक नहीं खैर यहाँ पर आप 5-10 आईफोन रख सकते हो। और भाई काफ़ी कन्वीनियंट स्पेस है इसके अंदर भाई, हमने फ़ोन का होल्डर भी डाल रखा था, कुछ और सामान भी डाल रखा था, अभी वो सब मैंने खाली करा आपको दिखाने के लिए, क्या कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेस इसके अंदर है, इन डेप्थ स्पेस है। बस ये हैंड ब्रेक की वजह से ये थोड़ा सा ये स्पेस जो कवर हो रहा है वो हो रहा है, बाकी नहीं तो काफ़ी अच्छी स्पेस है इसके अंदर, आप काफ़ी सामान रख सकते हो। और ड्राइव करते हो ऐसे बढ़िया सी बाजू रख के, ऐसे गियर वेयर बदलते मजे से चलाओ भाई। अब बारी आती है हमारे तीसरे फीचर की, जो कि है इसका IRVM। तो भाई IRVM एक फीचर कैसे हो सकता है भाई, मैं आपको बताता हूँ फीचर कैसे हो सकता है। आजकल की जो स्विफ्ट 2024 लॉन्च हुई है ना, उसके अंदर भी ये चीज नहीं है भाई, जिसको लोग बंदे कंपेयर करते हैं स्विफ्ट से, पोलो से। भाई स्विफ्ट 2024 के अंदर अगर आप लेने जा रहे हो ना, 10-10.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगी, लेकिन उसके अंदर भी ये फीचर नहीं है भाई। उसके अंदर यहाँ पर एक डंडी सी दे रखी है, बेस मॉडल में तो खैर वो भी नहीं है, टॉप एंड के अंदर यहाँ पर एक डंडी सी दे रखी है भाई उसको आगे पीछे करने के लिए, ताकि पीछे की जो रिवर्स से लाइट आती है हाई बीम, तो वो रिफ्लेक्ट ना करे भाई। इसके अंदर इनबिल्ट ये फीचर दे रखा है, यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो आप, वैसे तो ऑटोमेटिक है, आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ग्रीन ग्रीन जल्दी दिख रही है, जैसे पीछे से कोई लाइट पड़ेगी ये रिफ्लेक्ट होना बंद कर देगा, ये अपने आप को पूरा डिम कर देगा, पीछे से कोई भी लाइट आएगी वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी भाई। ये इसका फीचर होता है, पीछे से लाइट पड़ेगी तो वो यहाँ पर पड़ के ग्रीन ग्रीन हो जाती है ये शेड, तो पीछे से कोई लाइट आगे रिफ्लेक्ट नहीं होती और ड्राइवर की आंखों में छुपती नहीं है। अब बारी आती है भाई हमारे फीचर नंबर 4 की, जो कि एक्चुअल में दिखाई दे रहा है सामने से ही भाई, काफ़ी गाड़ियों में होता है सामने से जो हवा आती, मान लो अभी ठंड का मौसम तो खैर नहीं है, जब भी होती है तो सामने से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध सी जम जाती है। तो हमारे क्या होता है, फ्रंट जो है हमारे यहाँ पर डिफोगर दिया जाता है गाड़ियों में, तो भाई फ्रंट का डिफोगर ओपन करके हवा सामने से आती है और हमारा जो है फॉग सामने से गायब हो जाता है। बट इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है भाई, आपको फ्रंट डिफोगर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलता है ये वाला बटन, जिसकी मदद से बिना फ्रंट का डिफोगर ऑन किए आप यहाँ से हवा, जहाँ से हवा हमको चाहिए होती है जब फॉग हटाने के लिए, तो आपको भाई यहाँ पर ये बटन मिलता है, प्रेस करो हवा सामने से आएगी, ये वाला बटन आएगी। 4 हमारे पास जो एयर वेंट है इसके लिए है, और जो आपको पता ही भाई पैरों के अंदर हवा आती है बहुत बढ़िया काम करती है, ये चीज़ ये इस वाले बटन से होती है। बट ये वाला जो फीचर है बहुत काम का है भाई, क्योंकि ये ऑन करते ही पूरी हवा जो सामने से आती है पूरी ऐसे पीछे तक चली आती है, तो गाड़ी भाई पूरी जल्दी से ठंडी हो जाती है। और भाई जो इसका ऑटोमेटिक एसी है वो तो है ही कमाल। फिफ्थ फीचर, जो कि एक्चुअल में हिडन नहीं है अगर आप चाबी के थ्रू देखो, बट हिडन है अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखो तो, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी यहाँ पर बटन नहीं है बूट ओपन करने का, ना ही यहाँ पर कोई बटन है, ना ही यहाँ पर कोई बटन है। तो भाई बूट ओपन कैसे होती है भाई, बूट ओपन होती है इसकी यहाँ से, एक्चुअली दो चीज़ें हैं जहाँ से ओपन होती है, एक यहाँ पर और एक
पीछे डिक्की से। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के। कुछ हमारी चाबी है और देखो गाड़ी को कर दी मैंने लॉक। अब गाड़ी हो चुकी है लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बूट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बूट ओपन नहीं होगी, ठीक है। इसका जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि गाड़ी अभी जैसे मेरी लॉक है, मैं आपको एक बार यहाँ पर गेट ओपन करके दिखाता हूँ, गाड़ी लॉक है भाई, ठीक है। बट मुझे बूट ओपन करनी है गाड़ी बिना अनलॉक किए। मान लो मुझे आगे वाले गेट से कोई काम नहीं है, सिर्फ बूट ओपन करनी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको होल्ड करके रखूँ और यहाँ पर देखना भी इंडिकेटर भी बजता है। जो इसको होल्ड किया, इंडिकेटर खोला, खोलो भाई अपना बूट, ठीक है। बूट ओपन कर दिया मैंने, अभी आपको गेट भी दिखाता हूँ, वीडियो कट नहीं कर रहा मैं। गेट लॉक है भाई, गेट सारे लॉक्ड हैं। ये देखो शीशा खुला, ये गेट लॉक है। बट ये सिर्फ फीचर है बूट के लिए, यहाँ से बूट आपकी अनलॉक हो जाएगी। जो भी सामान निकालना निकालना है लो, रखना रखो बंद। अब ये दोबारा ओपन नहीं होगा, चाहे जितना मैं ओपन कर लूँ, गेट अभी भी लॉक्ड है, ठीक है। अब मैंने वीडियो अनकट इसीलिए रखा ताकि आपको एक प्रूफ दिखाऊँ कि भाई हाँ इस तरीके से होता है ये ऑपरेट, ठीक है। इसको बूट ओपनर कहते हैं भाई, होल्ड करो। 2014 में एक प्रीमियम हैचबैक के अंदर आपको ये फीचर दे रही है अगर Hyundai है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई स्विफ्ट जो कि आज लॉन्च हो रही है 2024 में मई के अंदर, उसके अंदर ये फीचर नहीं है भाई अवेलेबल। भाई अभी तक तो मेरे को नहीं दिखा, अगर होगा तो बाई चांस फ्यूचर में मैं देख के आपको अपडेट कर दूंगा। तो भाई अभी तक तो ये फीचर मेरे को नहीं दिखा। और भाई आपको ये स्टारबक्स कैसा लग रहा है बताना जरूर से। आई होप आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है, फीचर्स दिखाए हैं, समझ में आए हो, पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो भाई क्योंकि क्या होता है, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो आपको बेल आइकन भी साथ में दिखेगा, उसको भी अगर आप दबा दोगे तो आपके पास जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आएगा, जो भी मेरे अपडेट्स होंगे, वो साथ के साथ दिखते रहेंगे। तो आपको जो भी फीचर के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं साथ के साथ प्रोवाइड करता जाऊँगा। और मेरा चैनल ओपन करके देख सकते हो भाई, हज़ारों वीडियोस हैं, कार्स की इंफॉर्मेशन, आपको ट्रैवल व्लॉग सब कुछ, फैमिली व्लॉग भाई, डीजे नाइट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। आप मेरा चैनल देखो एक बार जाकर, फ्री है भाई, फ्री। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहा उसका, जाके सब्सक्राइब दबा दो। चलो बाय बाय।